और देखिए बदायूं में गंगा और रामगंगा नदियों ने बाढ़ का विकराल रूप धारण कर लिया है। सैकड़ों गांव बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गए हैं। आला अधिकारी बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं। रामगंगा पर चार पुल बने होने के बावजूद भी सैकड़ों गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। शाजापुर और बदायूं का भी संपर्क टूट चुका है। लोगों को शाजापुर जिले में जाने के लिए नाव ही एकमात्र यहां पर सहारा रह गई है। बदायूं के कई दर्जनों ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और उनका जनसंपर्क मार्ग भी टूट चुका है। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार स्टीमर और बोटें ये गांव में ये तैनात कर दी गई हैं। जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं लगातार उनका ये निरीक्षण भी किया जा रहा है और मैं एक चटा गाँव में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम जानेंगे किस तरीके से गांव वालों को परेशानी है, क्या सुविधाएं मिल पा रही है, स्वास्थ्य विभाग की यहाँ टीम आ रही है या नहीं। क्या नाम है आपका? हबन खान। हबन खान जी, ये बताइए किस तरीके से देखते हैं यहाँ पूरा गांव आपको बाढ़ की चपेट में? ऐसा है साहब, पूरा जिले का अधिकारी सभी देख रहा है। अच्छा, और जो सुविधा है वो कर रहे हैं। एक दफे राशन बांट दिया, आज भी बटेगा। अच्छा, और देखभाल अच्छी कर रहे हैं लेकिन गांव जो है खटे में। और ये रोड जो है हमारा यहाँ से हाईवे रोड से गांव तक ऊंचा हो जाना चाहिए तो हम लोगों का जीवन। एक शौचालय ऐसा बन जाए जिसमें लैट्रिन फैट्रिन, औरतों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। अच्छा, तो सोच के लिए सब लोग बाहर जंगल में खुले में जाते हैं? खुले में जाते हैं, कहीं जगह ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा बांध है तो उसी बांध पर, लेकिन ये ज्यादा दिक्कत है। ये दो तीन दिक्कतें बहुत। जी ये बताइए, जिस तरह देखा जाओ गांव पूरी बाढ़ की चपेट में, क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है? सुविधा तो आए सब बूढ़ी पड़े हैं सारी। हाँ, गांव डूबा है, खतरे में है। आप देखे आए जो उन्हें छपर अपर पड़े हैं, सुबह धरती बिगड़ गए सारे, उन्हें खम्भ बिगड़ गया, सब धरती बिगड़ गई। तो प्रशासन द्वारा कोई मदद मिल पा रही है? कोई नहीं मिल रही है, कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। आवाज के लिए क्या नाम चंदावती? चंदावती जी, ये बताइए किस तरह देखा जाए पूरा गांव ये डूबा है, कोई राहत बचाव हो रहा है? कोई पानी में डूबे डरे लला, कोई साधन जो ना की कोई जगह मिल जाता अपने मड़ैया डालना। अच्छा, तो आप लोग ये रोड पे आकर रह रहे हैं? तो क्या मांग करते हैं आप पूरा गांव आपका डूबा? देखा जाए तो पूरा गांव यहां डूबा हुआ है। कुछ अधिकारी आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। यहां पर हमारे साथ में कुछ युवा यहां मौजूद हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके के हालात हैं। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नीरज यादव नाम है। नीरज जी ये बताइए, जिस तरह देखा जाए तो भाजपा सरकार ने कहा है कि काफी ज्यादा ये राशन वगैरह करेंगे, काफी ज्यादा राहत देंगे। राहत क्या, बाढ़ पीड़ित बाढ़ इतनी समस्या आए हैं जो कि परेशान लोग हैं। यहाँ कोई आ भी नहीं रहा, ये बुढ़े परेशान हो रहे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग यहाँ के, कोई ये भी नहीं कर रहा। राशन पानी की व्यवस्था की जाए, कहीं रहने की व्यवस्था की जाए, जानवरों की व्यवस्था की जाए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई आता भी नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है क्या? यहाँ कुछ नहीं है, कोई स्वास्थ्य विभाग जानवरों को लिए ये दवा वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ कोई देखने तक नहीं आता यहाँ, बहुत पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र है। क्या नाम भैया आपका? नाविर। नाविर जी ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर ये बाढ़ वगैरह? ऐसे ही आते हैं कभी जब देखने के लिए, कोई बोर नहीं, मवेशी सब पानी वैसी, और कोई साधन नहीं हम लोगों को खाने पीने का, आटा बाटा है नहीं, और हम लोगों को कहीं जगह मिलना चाहिए जो बच्चे डालते हैं ले जाए बाहर, ऐसा साधन हमारा हम लोगों को। तो यहाँ पे अधिकारी वगैरह नहीं आते? आते हैं, कम आते हैं, ऐसे कोई कभी जब आते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह इलाज के लिए डॉक्टर को कैसे आते हैं? ये गोलियां देगा, ये नहीं, गोलियों से आता एक हर हर आदमी की एक मर्जी की दवाई है, किसी को ऐसी मर्जी है, किसी को ऐसी मर्जी। तो यहाँ पे ये कोई खास सही इलाज वगैरह नहीं मिलता? इलाज का जी इलाज है बोली। देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भी टीमें नहीं आ रही हैं और ना ही यहाँ पर मवेशियों का भी इलाज हो पा रहा है और ना ही यहाँ पर इंसानों का ये इलाज हो पा रहा है। वहीं स्वास्थ्य के नाम पर एक बड़ा खिलवाड़ होता हुआ ग्रामीणों के साथ में ये नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार स्वास्थ्य विभाग ये निरीक्षण कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर ये साबितदार
क्या वे उनके खोखले साबित होते हैं ये नजर आ रहे हैं। वहीं योगी सरकार के इतने कड़े निर्देश होने के बाद भी फिर भी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, उनके कानों पर जुए नहीं रेंग रही हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, चारों तरफ पानी ही पानी है यहाँ पर, और पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण अपना गाँव छोड़कर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है, अपने मवेशी जानवरों को साथ में लेकर ये चल रहे हैं। नेटवर्क 10 के लिए नियाजी खान, बदायूं।